दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई सन 1914 ईस्वी को शुरू हुआ, जो 4 वर्ष 3 माह 11 दिन के बाद 11 नवंबर 1918 ईस्वी को खत्म हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के पूरी कहानी के बारे में जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कर दे और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध का होना सही मायने में विश्व इतिहास की एक दुखद घटना थी। इस युद्ध ने संपूर्ण विश्व की रूपरेखा को ही बदल कर रख दिया। दोस्तों, विश्व युद्ध की जड़ विभिन्न देशों का स्वार्थ थी। प्रत्येक देश ने अपना स्वार्थ देखा और विश्व के कल्याण को अनदेखा कर दिया। उस समय एक ऐसा वातावरण बना हुआ था जिससे विश्व में शांति ज्यादा देर तक टिकी ना रह सकी। यूरोप के सभी देशों में अस्त्र शस्त्र की प्रतिस्पर्धा लगी हुई थी। फ्रांस पर्सा युद्ध, बर्लियन कांग्रेस, बल्गेरिया विवाद, गुप्त सनिधि समझौते, पूर्वी समस्या, मोरक्को संकट, साम्राज्यवाद की भावना, इंग्लैंड जर्मन नाविक प्रतिस्पर्धा, बोस्निया संकट, रूस जर्मन विवाद आदि घटनाओं ने विश्व के प्रमुख देशों के बीच संदेह, तनाव, कटुता को जन्म दिया। प्रत्येक देश अपने देश को अन्य देशों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ समझता था। ऐसी भावनाएं खास तौर पर जर्मन वासियों में अधिक थी। स्वार्थ, लालच और अधिक से अधिक लाभ की चाह में सभी देश अंधे हो चुके थे। उन्हें यह ज्ञान नहीं रहा कि वह इस तरह एक दूसरे के प्रति दुश्मनी एवं विनाश को ही न्योता दे रहे थे। युद्ध का तत्कालिक कारण था सराजीवो हत्याकांड, जिसमें सबेरिया में ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उत्तराधिकारी फारिडिनेट की हत्या कर दी गई। इससे ऑस्ट्रिया ने सबेरिया के खिलाफ 28 जुलाई सन 1914 ईस्वी को युद्ध की घोषणा कर दी और जर्मनी ने अपने मित्र ऑस्ट्रिया का समर्थन किया। हालांकि इंग्लैंड ने अनेक प्रयासों से इस युद्ध को रोकना चाहा और जर्मनी ने इसे स्थानीय युद्ध रखना चाहा, लेकिन आखिरकार सभी प्रयास व्यर्थ हुए और देखते ही देखते युद्ध में विश्व का लगभग हर छोटा बड़ा देश शामिल होता चला गया और कुल 36 देशों और 6 करोड़ लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया। अब संपूर्ण विश्व दो गुटों में बढ़ चुका था। पहले गुट का नेतृत्व मित्र राष्ट्र कर रहे थे, जिनमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, सबेरिया, जापान, पुर्तगाल, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, रोमानिया, यूनान, साइबेरिया, क्यूबा, ब्राजील, गौटेमाला आदि थे। दूसरा गुट केंद्रीय शक्तियों का था, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बल्गेरिया, तुर्की मुख्य थे। दोनों गुटों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। 28 जुलाई 1914 ईस्वी को शुरू हुआ यह युद्ध 4 वर्ष 3 माह 11 दिन बाद 11 नवंबर 1918 ईस्वी को खत्म हुआ। युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय हुई और पराजित राष्ट्रों के साथ 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन में समझौते किए गए। इससे पूर्व विश्व में ऐसा भयानक युद्ध कभी नहीं हुआ था। इस युद्ध में विजेता और पराजित राज्यों दोनों को ही युद्ध की भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस युद्ध में मारे गए सैनिकों की संख्या लगभग 80 लाख थी और लगभग 2 करोड़ लोग घायल हुए। कुल मिलाकर विभिन्न राष्ट्रों को 40,000 मिलियन पाउंड का आर्थिक भार झेलना पड़ा। अनेक विनाशकारी हथियारों का प्रयोग हुआ। टैंकों, हवाई जहाजों और पनडुब्बियों द्वारा भयंकर विनाश किया गया, जिससे सामान्य नागरिक भी नहीं बच सके। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध को रोकने के लिए इंग्लैंड के विदेश मंत्री आखिरी समय तक प्रयास किए, लेकिन 28 जुलाई 1914 को अनंततः 36 देशों के मध्य यह महायुद्ध शुरू हो गया। इंग्लैंड का युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण यह है कि 2 अगस्त को जर्मनी ने लक्जमबर्ग की तटस्थ भूमि पर अधिकार कर लिया और बेल्जियम को 12 घंटे के अंदर अपने राज्य में से जर्मन सेनाओं को फ्रांस के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए मार्ग देने का मांग की और बेल्जियम ने ऐसा करने से मना कर दिया और बेल्जियम ने इंग्लैंड से सहायता मांगी। इंग्लैंड ने 1839 ईस्वी के एक समझौते के अनुसार बेल्जियम की तटस्थता की प्रत्याभूति पर्सा तथा अन्य राज्यों के साथ दे रखी थी, लेकिन जर्मनी द्वारा इस समझौते को तोड़ने तथा बेल्जियम पर अधिकार कर लेने से इंग्लैंड अब अपनी सुरक्षा को लेकर बेचैन हो गया। इंग्लैंड ने जर्मनी को बेल्जियम के सामने रखी गई मांगों को वापस लेने को कहा, लेकिन जर्मनी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अतः 4 अगस्त 1914 ईस्वी को इंग्लैंड ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और अंततः उसे भी विश्व युद्ध में भाग लेना पड़ा। इंग्लैंड द्वारा जर्मनी के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने के बाद से ही यूरोप की सबसे ताकतवर शक्तियों के बीच युद्ध शुरू हुआ। कुछ ही समय बाद एशिया और यूरोप के भी देश इस युद्ध में शामिल हो गए। 7 अगस्त को जापान ने 1902 ईस्वी की अंगल जापान संधि के तहत तथा जर्मनी से बदला लेने के उद्देश्य से उसको चेतावनी दी और युद्ध की घोषणा कर दी।
29 अक्टूबर 1914 ईस्वी को तुर्की ने बिना युद्ध की घोषणा किए रूस के काला सागर के बंदरगाह पर बम वर्षा की, जिसके कारण 3 नवंबर 1914 को रूस ने तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तुर्की के शामिल हो जाने से मित्र राष्ट्रों की चिंता बढ़ गई, क्योंकि स्ट्रेट मार्च से रसद मिलना कठिन हो गया था। और इटली का मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल होने का मुख्य कारण यह था कि इटली ने युद्ध आरंभ होने के बाद भी खुद को किनारे रखा था। संभवतः वह किनारे रहकर दोनों गुटों से लाभ पाना चाहता था, लेकिन जर्मन पक्ष तथा मित्र राष्ट्र दोनों ही इटली को अपने अपने पक्ष में शामिल करना चाहते थे। इसलिए दोनों ही पक्षों ने इटली को अपनी ओर करने के लिए बहुत ही प्रयत्न किए। अंत में 6 अप्रैल 1915 ईस्वी को लंदन की गुप्त संधि के द्वारा इटली मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल हो गया। और 13 मई 1915 ईस्वी को इटली ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इटली के बाद मित्र राष्ट्र बल्गेरिया को भी अपने साथ मिलाना चाहते थे, परंतु बल्गेरिया ने जर्मनी का साथ दिया। फरवरी 1916 को पुर्तगाल मित्र राष्ट्रों से मिल गया। इसके बाद 27 अगस्त 1916 ईस्वी को रोमानिया ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, जिसके बाद मित्र राष्ट्रों का पलड़ा भारी हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका का युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण यह था कि 4 अगस्त 1914 ईस्वी को अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने तटस्थता यानी युद्ध से दूर रहने की घोषणा की थी, लेकिन उसकी महाअनुभूति मित्र राष्ट्रों के साथ थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारी मात्रा में युद्ध सामग्री, अनाज और शरण मित्र राष्ट्रों को प्राप्त हुए। और 1917 ईस्वी में दो बड़ी घटनाएं हुई। पहली रूस में बोल्शेविक क्रांति के होने से उसके द्वारा जर्मनी से संधि करके खुद को युद्ध से अलग कर लिया जाना, और दूसरी घटना अमेरिकी जहाज लुसिटानिया को जर्मन लोगों द्वारा डुबा दिया जाना। मार्च 1916 में भी ससेक्स नामक फ्रांसीसी जहाज जर्मनी द्वारा डुबा दिया गया, जिसमें बहुत से अमरीकी नागरिक घायल हुए। अमरीका ने जर्मनी को चेतावनी देते हुए पनडुब्बी युद्ध समाप्त करने को कहा, परंतु जर्मनी नहीं माना और मार्च 1917 में उसने 5 अमेरिकी व्यापारी जहाज डुबो दिए। अब अमेरिका का धैर्य जवाब दे गया और उसने 6 अप्रैल 1917 ईस्वी में जर्मनी के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। अमेरिका के युद्ध में शामिल होते ही युद्ध वास्तव में वैश्विक हो गया, और जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया तब शांति सम्मेलन के समय जीते हुए देशों ने 1919 ईस्वी में युद्ध के उत्तरदायित्व का पता लगाने के लिए एक आयोग का गठन किया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जर्मनी तथा उसके मित्र राष्ट्रों को मुख्य रूप से दोषी ठहराया था, किंतु यह दावे से नहीं कहा जा सकता कि युद्ध का दायित्व किस राज्य का था, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र ने युद्ध का दायित्व अपने ऊपर ना लेकर दूसरे राष्ट्र पर थोपा था। और सबसे पहले सर्बिया की सरकार ने हत्या के षड्यंत्र की जानकारी होते हुए भी उसको रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए, और ऑस्ट्रिया को भी इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं दी। यदि वह अपने कर्तव्य को सही से पालन करता तो संभवतः ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या नहीं होती। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध किसी एक अकेले देश की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि लगभग प्रत्येक देश किसी न किसी रूप में इसके लिए जिम्मेदार था। तो दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आप क्या समझते हैं? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें।